मॉर्निंग एक्सरसाइज 4.4 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है पॉइंट द एंगल मेजर्ड फ्रॉम द लाइन 1 टू द लाइन 2। ठीक है, हमने दो लाइंस हमें जो है गिवन है, ठीक है, तो हमने एंगल फाइंड करना है लाइन 1 से लाइन 2 पे जो एंगल बनता है, मतलब कि दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, लाइन 1 और लाइन 2, इस तरह के ये दो लाइंस हैं, ठीक है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और इनके दरम्यान में ये एंगल थीटा बन रहा है, सही है। तो ये एंगल थीटा जो है वो हमने फाइंड करना है, तो ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, लेट्स गो। अच्छा, अब हमें गिवन क्या है कि लाइन 1 जो है, लाइन 1 वो है जॉइन ऑफ 2.7 एंड 7.10। ठीक है, मतलब कि ये दोनों पॉइंट से जॉइन करने से, लेट्स सपोज ये जो है 2.7 है और दूसरा पॉइंट जो है ये 7.10 है, सही, इनको जॉइन करने से लाइन 1 बनती है और लाइन 2 जो है वो भी दो पॉइंट्स हमें गिवन है 1.1 एंड -5.3, ये दोनों पॉइंट्स को जॉइन करने से लाइन 2 बनती है। ठीक, लेट्स सपोज ये एक 1.1 है और दूसरा पॉइंट जो है -5.3। ये चीज़ें हमें गिवन है कि दो पॉइंट्स जो हैं जिनको जॉइन करने से लाइन 1 बनती है वो हमें गिवन है और दो पॉइंट्स जिनसे जिनको जॉइन करने से लाइन 2 बनती है वो हमें गिवन है। तो हमें कहा गया है कि उन दो लाइंस के दरमियान जो एंगल बनता है, ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करी हैं और आपस में जो एंगल इंटरसेक्शन के वक्त बनाती हैं वो एंगल हमें फाइंड करना है। तो दो लाइन्स के दरमियान एंगल हमें पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह फाइंड करते हैं कि दोनों लाइन्स की स्लोप्स ले लेते हैं पहले, ठीक है, और उन स्लोप्स को यूज़ करते हुए हम एंगल फाइंड करते हैं जो कि थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ फार्मूला बनता है, ठीक है, एम टू माइनस एम वन डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम टू एम वन, ठीक है, ये फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, ये फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। और एम वन क्या है, एम टू क्या है, एम वन जो है वो लाइन 1 की स्लोप है, ठीक है, और इसी तरह से M2 जो है वो लाइन 2 की स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू M2, दूसरी लाइन की स्लोप को M2 कह दिया और पहली लाइन को M1, इसकी लाइन की स्लोप को M1 कह दिया। तो जब हम इनकी स्लोप्स फाइंड कर लेंगे, स्लोप्स कैसे फाइंड करेंगे, दो दो पॉइंट्स हमें गिवन है हर लाइन के, तो पॉइंट जब दो पॉइंट्स गिवन होते हैं हम स्लोप्स की उस फार्मूले से, स्लोप की फार्मूले से जो है फाइंड कर सकते हैं वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, स्लोप इस फार्मूला से फाइंड कर लेंगे और फिर स्लोप्स जो है एम वन और एम टू जब हमारे पास उनकी वैल्यूज आ जाएगी तो इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास एंगल थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो इसका ए बी और सी डी पार्ट्स बिल्कुल सेम है, तो ये आप खुद से करेंगे क्योंकि हम पहले भी एंगल्स फाइंड कर चुके हैं, ठीक है, मैथड मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, आप खुद से ये ट्राई करेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, फाइंड द इंटीरियर एंगल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, हमें एक ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हैं, ठीक है, ये एक लेट्स सपोज ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल, इनके तीनों वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं, ए वर्टेक्स हमें दिया हुआ है -2.11 और दूसरा वर्टेक्स हमें दिया हुआ है -6.-3 और सी वर्टेक्स हमें दिया है 4.-9। ये तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं, हमें कहा गया है कि इनके इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स क्या बनते हैं, ये एंगल है, ठीक है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, ये तीनों एंगल्स हमें फाइंड करने हैं, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, ये एंगल्स हमने फाइंड करने, तो हम एंगल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए एंगल फाइंड करने के लिए वही फार्मूला है, थीटा 1 इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ स्लोप्स का डिफरेंस, ठीक है, स्लोप 1 स्लोप ऑफ कौन सी साइड बनेगी, थीटा 1 किस किस लाइन के दरमियान में है, एक ए बी और एक ए सी, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी या ए सी माइनस स्लोप ऑफ ए सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्लोप ऑफ ए बी
इनटू स्लोप ऑफ एसी। सही, तो ये हमारे पास फार्मूला है थीटा एंगल फाइंड करने का, ये एंगल फाइंड करने का। तो इस तरह से हम स्लोप्स पहले फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें ए और बी जो है पॉइंट्स गिवन है, तो हम इस लाइन ए बी लाइन की स्लोप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है ए और सी पॉइंट्स गिवन है, और हम इस लाइन की स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं। तो जब वो स्लोप्स हमारे पास आ जाएंगी, तो हम इस फार्मूला को पुट करके इंटीरियर एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से बाकी जो है थीटा टू और थीटा थ्री भी हम फाइंड करेंगे। तो ये इसके भी ए बी और सी पार्ट्स जो हैं, डी पार्ट्स तक बिल्कुल सेम है। ठीक है, बिल्कुल हमने यही फार्मूला यूज़ करना है, बस स्लोप्स आपने डिफरेंट साइड्स की जो जो जिन जिन से वो एंगल बन रहा है साइड से, उनकी स्लोप्स फाइंड करके फार्मूला में पुट कर देना, और आपके पास थीटा वन, थीटा टू और थीटा थ्री आता जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में है, क्वेश्चन नंबर 12 में है कि फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर। मतलब हमें एक क्वाड्रिलेटरल के, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूं मैं, एक क्वाड्रिलेटरल के हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसकी चार साइड्स होती हैं। ठीक है, चार कॉर्नर्स होते हैं, चार वर्टिसेस होते हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास ए बी सी और डी। ठीक है, जिसके वर्टिसेस हैं, तो आपको वो वर्टिसेस गिवन हुए हैं। तो वो वर्टिसेस हैं 5.2, ए का कोऑर्डिनेट्स है 5.2 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2.3, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -3.-4 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4.-5। ठीक है, ये चार वर्टिसेस हमें गिवन है और चार वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, और हमें बताया गया है कि ये चार वर्टिसेस एक क्वाड्रिलेटरल के हैं। ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। मतलब कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, चार एंगल्स हैं, थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री और थीटा फोर। ठीक है, ये चारों एंगल्स हमने फाइंड करने हैं। तो चारों एंगल्स बिल्कुल सेम वही जिस तरह हमने ट्राइंगल के फाइंड किए, बस इसमें क्या है कि इसमें थीटा टू क्या है, थीटा टू किसके साइड के दरमियान बन रहा है, एक ए डी और ए बी के साइड्स के दरमियान जो है थीटा टू बन रहा है। तो हम इसकी स्लोप्स फाइंड कर लेंगे और उनको उसी फार्मूला में जो थीटा फाइंड करने का फार्मूला उसमें पुट करेंगे। इस तरह से थीटा टू आ जाएगा, थीटा वन आ जाएगा, थीटा थ्री आ जाएगा, थीटा फोर आ जाएगा। स्लोप्स बस फाइंड कर लें आप साइड्स की और उनको फार्मूलाज में पुट कर दे जाएँ, तो आपके पास थीटास की वैल्यू आती जाएंगी। ठीक है, एंगल्स की वैल्यू आ जाएंगी। अच्छा, उसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर थर्टीन में क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्टीन में है शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रेपेजियम, फाइंड इट्स इंटीरियर एंगल्स, पैरेललोग्राम। अच्छा, एक पैरेललोग्राम हमने शो करनी है, तो पैरेललोग्राम हम पहले शो कर चुके हैं। अगर आपको वर्टिसेस गिवन हो, ठीक है, चार वर्टिसेस गिवन है, एक ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, आपको चार इसके वर्टिसेस गिवन हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन हैं। ठीक है, तो आप बताएं कि इसमें हम इसको कैसे शो कर सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, याद करें हमने 4.1 में शो किया, 4.1 में, 4.3 में शो किया था एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम, वो हमने कैसे शो किया था। देखिए, पैरेललोग्राम होती क्या है, वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि जिसमें दो ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी कि पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। तो पैरेलल हम किस तरह शो कर सकते हैं, देखें इसकी अगर इस साइड की स्लोप को हम एम वन कह देते हैं और इस साइड की स्लोप को हम एम टू कह देते हैं। ठीक है, स्लोप है ये इस साइड की और ये है स्लोप इस साइड की। अब यहाँ पे इस साइड की स्लोप को हम स्लोप इज इक्वल टू एम थ्री कह देंगे, इस साइड की स्लोप को हम एम फोर कह देते हैं। देखें, जैसे कि हम पहले पैरेललोग्राम पढ़ चुके हैं, पैरेललोग्राम में क्या होता था, ऑपोजिट साइड्स की स्लोप्स इक्वल होती हैं। क्यों इक्वल होती हैं, क्योंकि उन वो दोनों साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अच्छा, अब मतलब कि हम लिख सकते हैं कि एम वन विल बी इक्वल टू एम टू, और साथ में हम कह सकते हैं कि एम थ्री इज इक्वल टू
m4, सही है। तो हम इनकी स्लोप्स फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमारे पास जो है इसके a के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, b के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, c के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, d के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, मतलब हमें पॉइंट्स सब गिवन हैं ये चारों, ठीक है। तो हम हर साइड की स्लोप्स फाइंड कर सकते हैं, मतलब m1 m2 m3 m4 जो है हम फाइंड कर सकते हैं वो फार्मूला से y2 - y1 over x2 - x1 से, सही है। ये स्लोप का फार्मूला हम यूज़ करते हुए चारों साइड्स की स्लोप फाइंड करेंगे, फिर उससे हम देखेंगे कि m1 अगर m2 के बराबर है और m3 m4 के बराबर है तो हम कहेंगे कि ये साइड जो है DC साइड जो है AB साइड के पैरेलल है और AD साइड जो है BC साइड के पैरेलल है, ठीक है, जो कि स्लोप से शो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये स्लोप्स की प्रॉपर्टी होती है कि दो जो पैरेलल साइड्स हैं या पैरेलल लाइंस हैं उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं। अच्छा, अब इसके अलावा इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड इट्स इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जो है दो साइड्स के दरमियान में जो एंगल बनता है वो हम कैसे निकालते हैं, टैन थीटा इज इक्वल टू m1 या m2 - m1 over 1 + m1 m2। तो ये इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। m1 और m2 के कौन सी स्लोप्स होंगी जिन दो साइड्स के दरमियान में एंगल बन रहा है, जिस तरह के अगर मैं एंगल इसकी बात करूं, थीटा वन की बात करूं, तो ये m1 है, ठीक है, ये m2 m4 है, तो यहाँ पर ये m4 बन जाएगा, सही है। तो ये tan थीटा वन की वैल्यू बन जाती है, सही। अब इस तरह से हम tan थीटा टू भी फाइंड कर लेंगे, tan थीटा थ्री भी, tan थीटा फोर भी, और फिर थीटा फाइंड करने के लिए हम उसका tan इनवर्स ले लेंगे, तो हमारे पास चारों एंगल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इंटीरियर एंगल्स आ जाएंगे इस पैरेललोग्राम के। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 14 में है कि आपको तीन साइड्स दी हुई हैं, ठीक है, तीन लाइंस दी हुई हैं, 7x - y - 10 = 0, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन है, लाइन की इक्वेशन गिवन है, और दूसरी जो है 10x + y - 41 = 0, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, लाइन की। और हमें थर्ड इक्वेशन भी गिवन है, 3x + 2y + 3 = 0, ये तीन इक्वेशंस हैं लाइन की हमें गिवन है, और हमें कहा गया है कि ये तीन साइड्स हैं एक ट्रायंगल की, ठीक है। जैसा कि एक ट्रायंगल मैं आपके सामने बनाता हूँ, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसकी तीन साइड्स हैं और उन तीनों साइड्स की हमें इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। तो मैं इनके साथ लिख देता हूँ, ये इक्वेशन है 7x - y - 10, लेट्स सपोज ये लाइन वन है, ठीक है, ये लाइन टू है, 10x + y - 41 = 0, ठीक है, तो ये लाइन टू होगी, और ये लाइन थ्री इस तरह से 3x + 2y + 3 = 0। ये तीनों लाइंस जो हैं तीनों साइड्स हैं ट्राइंगल की, ट्राइंगल ए बी और सी, ठीक है। अच्छा, अब हमें कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल, मतलब कि ये हमने ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, इसके अंदर जो जो बाउंडेड है एरिया, ये एरिया टोटल जो ट्रायंगल से बाउंडेड है, ट्रायंगल की साइड से बाउंडेड है, वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, पहले भी हमने पढ़ा था कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला बनता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा, अब देखें, हमने एक और फार्मूला भी पढ़ा था कि हम उसके वर्टिसेस को जो है, अगर एक्स कोऑर्डिनेट्स जो है उसके वर्टिसेस के, x1, x2 और x3, ठीक है, और फिर y1, y2, y3 कोऑर्डिनेट्स, और साथ में 1, 1, 1, इसका डिटर्मिनेंट ले लें तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सही। तो ये हम फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वरना हमें फिर बेस निकालनी पड़ेगी, हाइट निकालनी पड़ेगी, ठीक है, उसकी लेंथ मैग्नीट्यूड निकालनी पड़ेगी। तो उससे आसान तरीका यही है कि हम ये फार्मूला यूज़ कर लेते हैं जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट्स का पहला कॉलम है, वाई कोऑर्डिनेट्स का पहला दूसरा कॉलम है, और उसके बाद थर्ड कॉलम जो है 1, 1, 1 का है। अच्छा, अब यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 और y1 कह देते हैं, और बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 और y2 कह देते हैं, और इसी तरह से सी के कोऑर्डिनेट्स को x3 और y3 कह देंगे, सही। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, x1, y1, x2, y2 और x3, y3,
तो जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, एक ट्रायंगल की साइड्स हमें गिवन थी और हमने उसके वर्टिसेस फाइंड किए थे, ठीक है। वो वर्टिसेस हमने कैसे फाइंड किए थे, वर्टिसेस कैसे बन रहे थे? देखें, ये साइड जो है ए सी साइड, ये कैसे बन रही है? ए सी साइड देखें तो ये दो लाइंस यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, जो कि बी सी साइड और ए सी साइड है, ठीक है। ये दोनों लाइंस यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एक वर्टेक्स बन रहा है सी वर्टेक्स। तो इस वर्टेक्स की अगर बात करें तो ए बी साइड और ए सी साइड जो है आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमारे पास ए वर्टेक्स बन रहा है। और इसी तरह से इन दोनों साइड्स को, बी सी साइड और ए बी साइड को आपस में इंटरसेक्ट करें, तो हमारे पास बी वर्टेक्स बन रहा है। इस तरह से हम ये तीनों वर्टेक्सेस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और जब वर्टेसेस आ जाएंगे हमारे पास, वो तीनों पॉइंट वही पॉइंट्स होंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x1 y1, x2 y2 और x3 y3। उसको हम मैट्रिक्स में पुट करेंगे और उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा ही करते हैं, पहले हम वर्टिसेस फाइंड करते हैं। वर्टिसेस फाइंड करने के लिए हम पहले इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशंस हमें गिवन है, पहली इक्वेशन है 7x - y - 10 इज इक्वल टू 0 और 10x + y - 41 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, एडिंग 1 एंड 2, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है जो कि हमें गिवन है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा 17x - 51 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 51/17, सही है। तो अच्छा, इसका आंसर बनता है x इज इक्वल टू 3, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास आ गई जो कि 3 है। अच्छा, अब इसी तरह से अब हमें y भी चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट हमने चाहिए जो कि इन दोनों साइड को इंटरसेक्ट करने से बन रहा है, जो कि हमारा एक ट्रायंगल का वर्टेक्स है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इस x की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो जो कि मैं फर्स्ट इक्वेशन पुट कर रहा हूँ, 7x की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं 3 - y - 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशंस को सॉल्व करने से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 10 - 21, नहीं बल्कि हमारे पास ये बनेगी y इज इक्वल टू 21 - 10, सही है। तो y इज इक्वल टू 21 - 10 इज 11, तो y की वैल्यू हमारे पास आई 11। तो हमारे पास जो पॉइंट बना है, वर्टेक्स, कौन सा वर्टेक्स है ये, कोई सा भी एक वर्टेक्स, हम इसको ए का नाम दे देते हैं, जो कि 3, 11 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। इसी तरह से बाकी दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इक्वेशन सॉल्विंग, इक्वेशन 2 एंड 3, सही है। तो उसके बाद हम करेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 1, तो हमारे पास बाकी दो वर्टिसेस भी आ जाएंगे, सही है। तो बाकी दो वर्टिसेस मैं उनके कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ, तो 1, -3 एक वर्टेक्स बन रहा है, ठीक। तो एक वर्टेक्स बन रहा है, इसको हम बी का नाम दे देते हैं या सी का नाम दे देते हैं। और बी वर्टेक्स जो दो इक्वेशन सॉल्व करने से बनेगा वो है 5, -9, ठीक है। बिल्कुल सेम मेथड है, हम दो इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे, हमारे पास वर्टिसेस बन जाएंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। अब हमारे पास देखें तो तीन जो है पॉइंट्स आ चुके हैं, ठीक है, तीन वर्टिसेस आ चुके हैं, जिसके मैं कोऑर्डिनेट्स दोबारा से लिख देता हूँ। ए जो है 3, 11 आया था हमारे पास, ठीक है, और बी जो है वो हमारे पास आ जाएगा 5, -9, और सी जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1, -3, सही है। तो अब इन तीनों वर्टिसेस को यूज़ करते हुए हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, देखें मैंने पहले जो फार्मूला आपको बताया था कि हम एक जो है मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें पहला कॉलम किसका होगा, एक्स कोऑर्डिनेट्स का। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 3, 5 और 1, 3, 5 और 1 आ गया। इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 11, -9, -3, सही। और थर्ड कॉलम 1, 1, 1 का होगा, ये हमेशा 1, 1, 1 का होगा। तो इस डिटर्मिनेंट को
इसका अगर डिटर्मिनेंट हम फाइंड करें तो वो बनता है, बल्कि बाहर 1/2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर सिंपल डिटर्मिनेंट लें तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो हाफ उसे कर दें, मतलब कि ये एक ट्राइंगल थी ना हमारे पास, ये ट्राइंगल थी, ठीक है। तो अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें, सही, इसको इसके ऑपोजिट साइड पे पैरेलल, ठीक है, और इसके पैरेलल इस साइड पे बनाएं, तो ये दो ट्राइंगल्स बन जाती हैं, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल से को मिलाकर एक पैरेललोग्राम बन जाती है, जिससे ये एरिया बन जाता है, ठीक है। ये जो सिर्फ डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करें तो, अगर इसको हाफ कर दें तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाता है, जो कि ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल, सही है, इस ट्राइंगल का। अच्छा, अब देखें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, इसको ओपन करते हैं, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट रो से मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, -9 + 3 - 11 × 5 - 1 + 1 × -15 + 9, सही। तो देखें तो इसका आंसर, अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास इसका आंसर आएगा -34, ठीक है, जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल है। लेकिन इसके जो है हम नेगेटिव साइन आ रहा है, तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि एरिया क्या चीज़ है, जो बाउंड्री रीजन है, रीजन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, माइनस साइन को, नेगलेक्टिंग नेगेटिव साइन, तो हमारे पास बन जाएगा 34 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया का यूनिट स्क्वायर में होता है, और यूनिट जो भी हम यूज़ करें, जो हमें गिवन हो, मीटर है, सेंटीमीटर है, ठीक है, वो पहले से साइड्स की जो है लेंथ पहले से हमें गिवन हो, तब हम कह सकते हैं मीटर स्क्वायर है या सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये हमने फाइंड कर लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसके हमें तीन साइड्स गिवन थी, तीन साइड्स की इक्वेशन गिवन थी, और हमने फाइंड कर लिया, उससे पहले उससे वर्टिसेस फाइंड किए और उसको हमने इस फार्मूला में पुट किया, ठीक है। ये इस फार्मूला में यूज़ किया हमने, डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया मैट्रिक्स का, और उसको हाफ कर दिया, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल बन गया।